श्री हीरामन जी वानखेड़े, इनकी स्मृति में डॉक्टर चंदा वानखेड़े एवं महानुभवों के अथक प्रयासों से श्री हीरामन वानखेड़े बहुउद्देशीय संस्था का निर्माण किया गया। शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी, पूर्व विधायक सुधाकर कोहले, डॉक्टर अशोक कामले, चंद्रकांत वानखेड़े एवं डॉक्टर संजय रागडाटे आदि की मौजूदगी में संस्था का शानदार उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वानखेड़े परिवार और मातंग समाज के सभी महानुभव मौजूद थे। इस देश की, इस समाज की सेवा करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ कामकाज करता रहता है और जिसे कुछ करने की चाहत होती है उसे कामकाज करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी उन्हें ही मिलती है जिनके इरादे बुलंद हो। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं शहर के डॉक्टर चंदा वानखेड़े की, जो इस देश की, इस समाज की सेवा करना चाहती हैं। अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए पिछले एक वर्षों से प्रयासरत है डॉक्टर चंदा वानखेड़े। इन्होंने सभी के सहयोग से श्री हीरामन वानखेड़े बहुउद्देशीय संस्था की स्थापना की है। संस्था का उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी और पूर्व विधायक सुधाकर कोहले के हाथों किया गया। इस मौके पर डॉक्टर संजय रगडाटे, प्राध्यापक प्राचार्य डॉक्टर अशोक कामले, साहित्यिकी चंद्रकांत वानखेड़े, द्रौपदी हीरामन वानखेड़े, रविंद्र वानखेड़े सहित मातंग समाज के कई महानुभव उपस्थित थे। इस मौके पर दयाशंकर तिवारी और डॉक्टर संजय रगडाटे, इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी है। इस प्रकार से आज बहुउद्देशीय संस्था का आपने उद्घाटन किया, क्या कहना चाहोगे? हीरामन जी वानखेड़े, इनके स्मृति को चिरंतन रखने के लिए आज उनके नाम से एक बहुउद्देशीय संस्था का यहाँ पर निर्माण किया गया है और इस बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से समाज के बीच में सभी वर्गों को शिक्षित प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करेंगे। हीरामन जी स्वयं विशेष रूप से वैद्यकीय क्षेत्र से जुड़े थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब करते थे और इस संस्था की संयोजिका जिनके नेतृत्व में संस्था बनी है डॉक्टर चंदा वानखेड़े, वह स्वयं डॉक्टर है। इसलिए विशेष रूप से मेडिकल सेक्टर में लगने वाला जो मैन पावर है उसको निर्माण करने की दिशा में और स्वास्थ्य की सेवाओं को समृद्ध करने की दिशा में शैक्षणिक आधार पर यह संस्था काम करेगी। ऐसे सर, आज के आपकी जो स्टूडेंट है चंदा, डॉक्टर चंदा वानखेड़े, इन्होंने बहुउद्देशीय संस्था का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहते हो आप? कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो अपने गुरु का मान सम्मान बढ़ाते हैं, उसमें से हमारी चंदा है। मैंने जब आज यहाँ पर एक विहंगम दृश्य देखा, एक अनुभव लिया, वो अनुभव ऐसा था कि आज मुझे ये पता चला कि चंदा का नाम चंदा क्यों रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि समाज में जो सूर्य प्रकाश फैलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं उनका प्रकाश आज चंदा नाम से प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा इस बच्ची ने बड़ा उपक्रम किया है। मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसी विद्यार्थी ने मेरे जीवन में आई जिसने 2003 में इस हृदय के दरवाजे खोले और आज तक इस हृदय में एक ऐसा स्थान बनाया है कि अपना वो स्थान इसी हृदय में नहीं, अब वो कई हृदय में स्थापित करने जा रही है। मैडम, ये पता कि जिस प्रकार से आज वानखेड़े बहुउद्देशीय संस्था का जो उद्घाटन किया गया है, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है इस संस्था का? इस संस्था के उद्देश्य यह है कि जो सर्वसाधारण जो स्त्रियाँ उनके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे और हेल्थ के लिए उनको जैसे मदद कर सकते हैं, योगा क्लासेस शुरू कर सकते हैं और हर प्रकार की जैसे उनको सहायता कर सकते हैं। जैसे स्त्रियां जो है सुबह किचन में लगी रहती है तो उनको थोड़ा बाहर निकाल के बहुत सारी शिक्षाएं देना है, मार्गदर्शन दिखाना है, तो ये हमारे संस्था का एक हेतु है। नमस्कार आप सभी को, मेरा मैं डॉक्टर चंदा हीरामन वानखेड़े इस संस्था के संस्थापिका हूँ और ये संस्था निर्माण करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि समाज में सुशिक्षित रोजगार जो पड़े हैं उन्हें रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो और शैक्षणिक संस्था का निर्माण होकर इस संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक समाज मौका दिया जाए, यही एक उद्देश्य लेके हमने आज इस संस्था का लोगों के सामने लोकार्पण किया है। डॉक्टर चंदा वानखेड़े द्वारा किए गए प्रयासों की सभी ने तारीफ करते हुए उपस्थित लोगों ने बधाई दी है। यह संस्था गरीब तबके के लोगों के लिए हमेशा अच्छा काम करेगी और उनका जीवन अच्छे से संवर्धित करने की बात डॉक्टर चंदा वानखेड़े और ज्योति वानखेड़े, इन्होंने BCN समक्ष दी है। अमृत भवन से संजय मीरे, BCN न्यूज़, नागपुर।